महाराष्ट्र गुजरात राज्याच्या तलासरी येथील आरटीओ चेक पोस्टवर ट्रान्सपोर्टरला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. एका बाजूला आरटीओ तर दुसऱ्या बाजूला सद्भावना कॉन्ट्रॅक्टर कडून लूट चालू आहे. पालघर जिल्ह्याच्या तलासरी तालुक्यात असलेला हा चेक पोस्ट खरतर चेक पोस्ट सारखा राहिलाच नाहीये. पाहूया ही सविस्तर बातमी. तलासरी गावातील आरटीओ चेक पोस्ट वर वाहतूकदारांची होतीये लूट. दंड किती करायचा ठरवतो कंत्राटदार, वाहतूकदारांचा आरोप. सद्भावना कंत्राटदाराकडूनही वाहतूकदारांची लूट. या चेकपोस्टवर एकही अधिकारी गाडी चेक करत नाही. इतकंच नव्हे तर गाडीचे कागदपत्र आणि ओव्हरलोड गाडीला दंड किती करायचा हे देखील सद्भावना एजन्सीचे अधिकारी ठरवतात, आरटीओ नाही. आणि हा दंड सुद्धा सद्भावना एजन्सीने आरटीओ कडे पाठवला तरच तो सरकारी तिजोरीत जाईल. मात्र या ठिकाणी नागरिकांची सर्रास लूट चालू आहे, कारण आरटीओ वजन काट्यापासून 700 मीटर लांब असलेल्या एका केबिनमध्ये बसलेले असतात. या चेकपोस्टवर प्रत्येक गाडीकडून 1000 रुपयाची मासिक रक्कम घेतली जात आहे. तसेच 100 रुपये एंट्री फी म्हणून आरटीओच्या नेमलेल्या माणसांकडून घेतली जाते. 150 रुपयाची पावती प्रत्येक ट्रान्सपोर्टरकडून प्रत्येक ट्रिपला घेतली जाते. ओव्हरलोड असलेल्या ट्रक आणि ट्रेलर हे रात्रीच्या वेळी सोडण्यात येतात. चालन रहता है ना 1000 रुपए का वो नहीं 1000 रुपए आपसे लेते हैं प्लस आप लिया 150 रुपए लिया कितना कितना लिया 100 रुपए लिया 150 250 रुपया उसका पावती नहीं दिया नहीं अच्छा 1000 रुपए जो महीने का लेते हो वो जैसे महीने शुरुआत होता है उसमें वो लेते हैं शुरू में हर महीने हाँ हर महीने आपकी गाड़ी कहाँ से आती है ये दिल्ली से क्या नाम है आपका मेरा नाम इश्ताक गाड़ी नंबर आपका 3782 निकले चेकपोस्ट से निकले और निकलने के बाद में आप जा रहे थे फिर वापस रोका क्यों रोका आपको मेरे को रोके इधर बोले कि बिल्टी दो मैं बोला खाली गाड़ी है तो बोले कि बिल्टी दो मैं खाली बिल्टी दे दिया उसके बाद में जो भी मतलब 200 रुपए का ये चालान फाड़ दिए इसलिए फाड़ा क्या बोल बोले सिलेंडर नहीं है आपके पास क्लीनर नहीं था इसके लिए हाँ क्लीनर के लिए 200 रुपए का ये पावती फाड़ के छोड़ दिया हाँ तो इस तरह का वसूली क्या हमेशा करते हैं कि आज ही कर रहे अभी तो ऐसा कभी हुआ नहीं पहली बार अभी इधर रोके हैं आप कहाँ से जा रहे थे कहाँ जा रहे थे मैं दिल्ली से अभी बॉम्बे जा रहा हूँ क्या नाम है आपका धीरज यादव आपने यहाँ पे चेक पोस्ट क्लियर क्लीन किया हाँ हमारी एमटी गाड़ी है बाल साहब की गाड़ी भी है एमटी गाड़ी आया हाँ हाँ भाग रहे हैं क्या बोल के भाग रहे हैं क्या बोल के भाग रहे हैं अभी बोलते एंट्री करना है अपने को भी पता नहीं है आपने 200 रुपये दे दिया आपने पूछा नहीं कि क्यों आप ले रहे पावती दे रहे हैं साहब अब उनका हाथ में बहुत कानून है जैसे कंडक्टर नहीं है ये स्टिकर नहीं लगा है या ये नहीं लिखा हुआ है तो अपना अच्छा आप दे देते तो देना ही पड़ेगा ना और सेठ लोग से बोलो तो बोलते हैं 150 की बात है क्या घड़ी घड़ी फ़ोन करते हो अब वो देते भी नहीं सेठ लोग